हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए तरीके से हरी मिर्च की चटनी बनाएंगे। इसे एक बार बना लेंगे तो हफ्ते भर चलते रहेगी और साथ ही साथ इसे बहुत ही तरह से यूज कर सकते हैं। नाश्ते में रोटी, चपाती, राइस, इडली, डोसा, वड़ा सभी के साथ इसको हम खा सकते हैं। ऑल इन वन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल में हम एक कढ़ाई में तेल गर्म होने पर 2 छोटी चम्मच जीरा ले लेंगे, 2 स्पून चना दाल, 1 स्पून उड़द, 1 बड़ी चम्मच कोकोनट और करी लीफ ले लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको चलाते रहेंगे। हल्का भून लेने पर इसके ऊपर हम डाल देंगे फिर 150 ग्राम लगभग हम हरी मिर्च लिए हैं। 1 बड़ा ऑनियन को रफली चॉप करके डाल देंगे और 1 लहसुन की पूरी कली डाल देंगे और फिर इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट चलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर भी पका लेंगे। अच्छे से सब सेट हो गई है पककर, इसकी सारी नमी निकल गई है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इसे एक जार में डाल लेंगे और पीस लेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।